नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं महितपुर की खबरों की ओर। महितपुर जुआड़ा तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुआड़ा में शासकीय लैब को बंद कर प्राइवेट लैब संचालन बीएमओ मनीष उथरा के द्वारा किया जा रहा है, जिसे लेकर बीम आर्मी के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। अभिभाषक नागूलाल मालवी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/8/2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुआड़ा खून की जाँच कराने के लिए गया था, जहाँ पर लैब टेक्नीशियन परिहार के द्वारा शासकीय लैब में जाँच न करते हुए नीचे लैब में जाँच की गई तथा मुझसे 500 रुपए की राशि भी मांगी गई। मैंने रसीद मांगी तो रसीद देने से इनकार कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुआड़ा में शासकीय लैब को बंद कर खुद का निजी लैब का संचालन बीएमओ मनीष उथरा के द्वारा किया जाता है तथा गरीब जनता से 800 से 1000 रुपए की मांगे जाते हैं। इस संबंध में बीएमओ से पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। अभिभाषक नागूलाल मालवी ने बताया कि बीएमओ मनीष उथरा और टेक्नीशियन परिहार को निलंबित किया जाए। अगर प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो हमें मजबूरन चक्का जाम करना होगा, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। महितपुर से आबिद सांकला की रिपोर्ट। आज 16 तारीख की घटना है। 16/8 को जो है मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जलदा पर गया था खून की जांच कराने के लिए। वहाँ पर ऊपर शास्त्री लैब है, वहाँ शास्त्री लैब में तो परिहार करते जो टेक्नीशियन है उससे बोला कि यार जांच कराना, तो ऊपर ये लैब थामने जरा नीचे निजी लैब है वहाँ जाइए। वो निजी लैब का संचालन परिहार के द्वारा किया जाता है और वहाँ पर 1800 रुपये लिए जाते हैं। मैंने जाँच का सैंपल लिया और उस लड़के ने बोला कि 500 रुपये दो। मैंने उसको 500 रुपये दे दिए। फिर मैंने बोला कि यार रसीद दीजिए, तो बोले यहाँ ये जो लैब है परिहार साहब की लैब है, यहाँ पैसे रसीद रसीद नहीं दी जाती है। इस बात को लेकर हमने राजेश रसीद जी ने और हमने बीएमओ को तो ज्ञापन दिया कि लैब बंद होना चाहिए। तो बीएमओ बोलता है कि ये सरकारी अस्पताल में भी लैब चला सकता है। तो बीएमओ की मिली बजट से ही जो है परिहार दोनों लैब चला रहे हैं और गरीब लोगों यहाँ लुटा जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन तो कि उज्जैन ज़िले में महतपुर विधानसभा और जलदा जैसे जगह हैं जहाँ पर लाखों रुपये का बसेरा रोज होता है, पूरा प्रशासन पर तो ध्यान नहीं दे रही है। तो आज धरने पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन तो अवगत कराया है कि समस्या हल की जाए, बीएमओ तो और परिहार तो निलंबित किया जाए, फिर सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारा धरना आंदोलन जारी है, अगर जल्दी सुनवाई नहीं होती है तो हम फिर जल्द रोड जाम करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये जो हम लोग आज झाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झाड़ा, यहाँ के जो बीएमओ हैं, यहाँ पर शिकायत पहले भी की गई है माननीय हमारे वर्षी जी और नागूलाल जी द्वारा, दुलसी द्वारा, कि यहाँ पर जो सरकारी जो लैब मशीन है उसको बंद करवा कर यहाँ के जो बीएमओ हैं वो खुद उनके कक्ष में निजी एक मशीन लगा कर वो काम कर रहे थे। मतलब यूँ कहें आप कि फर्जीवाड़ा हो रहा था, फोर्ट 420 का मामला हुआ था। इसको लेकर यहाँ के एसडीएम को भी अवगत कराया गया, सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज से तीन दिन पहले भी हमारी टीम ने ज्ञापन दिया था कि यहाँ के इनके खिलाफ़ जांच की जाए, लेकिन हमें मालूम पड़ रहा है कि जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई है माननीय एसडीएम महोदय ने, उसी अधिकारी को ये बताया कि आप इनकी जाँच करें। आप बताइए, कोई चोर अगर खुद की जाँच करेगा तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि कोई जांच हो सकती है। आखिर ये संविधान में कहाँ लिखा है कि शिकायत जिसके खिलाफ होती है वही उसके केस मतलब जांच करेगा? तो इस प्रकार के नियम ही होता है कि अगर बीएमओ पे कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच करता है सीएचएमओ, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है पूरा। आगे के लिए रणनीति हमारी तय है कि हम लोग आज सुबह से यहाँ पर धरने स्थल पर बैठे हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए हमारा धरना रहेगा। अगर इस पर हमारी उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे रोड जाम भी कर सकते हैं, पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये लोगों के गरीबों के लिए। आप बताइए कि एक गरीब व्यक्ति यहाँ पर छोटे से यहाँ पर 90 से 80 गांव लगते हैं, इन गांव के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भीम आर्मी आया समाज पार्टी ने पहले भी आवाज़ उठाई और आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। ये आरोप जो है निराधार हैं और असत्य हैं सारे आरोप, बस इतना ही कहना है। मेरी कुछ है ही नहीं ना, हम लोग जो सरकारी काम जो है सरकारी ड्यूटी सरकारी समय में पूरी कर्मठता से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। महाअभियान आ रहा है कोरोना का, हम तो उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नागूलाल जी ने आरोप लगाया है वो किस प्रकार? नहीं, निराधार है, असत्य है सारे आरोप। आपको
हम तो हमारे सरकारी काम करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फालतू तो इधर उधर की बातों पे हमारा ध्यान नहीं है। आपको पता है श्रीमान, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, असत्य और निराधार है।